guys, welcome and welcome back to my channel. This AC is making me sweet. Yeah. So hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying safe. Again, I'm making this video after such a long period of time. हमेशा आती हूँ and then मैं गायब हो जाती हूँ. I am not able to be consistent for no reason. So okay. So now I'll try to be consistent. Okay. So also I just wanted to give my introduction first of all because then वो मैं भूल जाती हूँ. So hi, my name is Mansi. I'm in fashion styling videos. Recently, I have launched my own brand. Which name is Babe You Betterfly. बहुत ही ज़्यादा लोगों का फीडबैक है कि लंबा नाम है जब वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते. सो आप शॉर्ट फॉर्म में BYBF कह सकते हो एंड इतना लंबा भी नाम नहीं है, मतलब कह सकते हो ठीक है, कुछ नहीं तो बेब कह दो, कोई नहीं. सो इट्स बेब यू बेटरफ्लाई. सो या फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्प्ले 3 ऑफ माई टॉप जो कि काफ़ी विंटर वेयर हैं एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं. और अभी मैंने रिसेंटली एक एग्जीबिशन लगाया था. आई पोस्ट दैट वीडियो, आई डोंट नो, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आफ्टर दैट, बट मैं इसको पोस्ट कब करूँगी एंड मैं उसको पोस्ट कब करूँगी आई डोंट नो, क्योंकि एडिट मैंने दोनों को नहीं किया होगा उस टाइम तक. सो आई डोंट नो, मेबी मैंने डाल दिया हो या फिर अगर नहीं डाला तो इसके नेक्स्ट डाल दूँगी. सो यू जस्ट हैव टू सिंग अ लिटिल बिट. सो या सो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ आई एम सेइंग कि एग्जीबिशन में किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को टॉप पसंद में आया है. सो आई विल शो इट टू यू ऑल कि वो क्या. और अगर आपको वो टॉप खरीदने हैं तो कुछ मत करो, बट कमेंट सेक्शन में जाके हे आई वांट टू शॉप दिस या फिर मुझे खरीदना है, कुछ भी कमेंट कर दो एंड उसके आगे आई विल गाइड यू कि कैसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. तो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द फर्स्ट वन. ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट फ्यू पीपल टू वॉच माई वीडियोज बट दे आर वॉचिंग इट, सो प्लीज डोंट वॉच इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ. दैट्स नॉट फ्यू, दैट्स ओनली वन. सो ओके ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द टॉप नंबर वन. सो वेट अ मिनट, हिलाने दो एक मिनट. सो दिस इज द टॉप नंबर वन. आई कांट इवन एक्सप्लेन, मुझे ये कलर कितना ज़्यादा पसंद है एंड विद दिस कलर आई एम ऑब्सेस्ड विद पफ्सीज. मतलब मुझे हमेशा से ही पफ्सीज बहुत पसंद है, बट इन रिसेंट टाइम लाइक 3-4 ईयर्स से कुछ ज़्यादा ही, पहले मैं खरीदती थी बहुत ज़्यादा, अब मैं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा. सो या दिस हैज दिस ह्यूज पफ स्लीव, मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट सा लगता है. एंड अभी रिसेंटली रिया शर्मा ने एक उसमें भी पहना था, बट दैट वॉज लाइक यहाँ से पफ था काफ़ी हैवी. सो मैं कुछ वैसा करना चाहती थी, बट आई दिस एंगल इज नॉट कूल, दिस वाज नाइस. या सो उसमें मैंने निया शर्मा को देखा था पहने हुए, बट वो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड था. मैं पहन लूँगी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे कट. बट आई थिंक अगर मैं किसी को ऑफर करूँगी, आई डोंट नो उसको पसंद आए कि ना आए, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इन दिस वन दिस हैज़ अ बलून काइंड ऑफ अ शेप जो नीचे से आके ऐसे फॉल करता है, विच लुक्स रियली रियली नाइस. पैंट का कलर आई डोंट नो मिरर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. ओके सो आई एम नॉट एबल टू शो यू ऑल माई पैंट का कलर विच इज डार्क मरून, एंड वो काफ़ी ज़्यादा इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा. ये टॉप से भी कर सकते हो, जैसे टी शर्ट, बेसिक टी शर्ट, तो इससे भी देखो कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में है. सो आई पेयर दिस वन विद माई पैंट एंड आई शो यू कैसा लगता है. या सो एज यू ऑल कैन सी दिस टॉप, यहाँ पे मेरा टैग लगा हुआ है एज यू ऑल कैन सी विच इज बेब यू बटरफ्लाई BYBF एंड विच लुक्स रियली कूल टू मी. एंड दिस इज द काइंड ऑफ अ लुक एज यू ऑल कैन सी. इसका स्लीव अंदर पता है, इसके टैग भी लटक रहा है जो मुझे चुभ रहा है बहुत ज़्यादा, बट आई कॉन्ट रियली हेल्प इट. सो इफ यू वॉन्ट मेक दिस टॉप एन ऑफ शोल्डर टॉप, यू कैन सिंपली डू दिस. मैं तो माइक पहनना भूल ही गई. ओके ओके या सो दिस एंगल इज नॉट करेक्ट आई गेस, आई नीड टू फिक्स इट अ लिटिल बिट, गिव मी टाइम. या सो आई एम वेयरिंग दिस मरून कलर पैंट एज यू ऑल कैन सी, एज यू ऑल कैन सी, एंड दिस इज द टॉप विच लुक्स रियली नाइस. सो या इफ आई मेक इट ऑफ शोल्डर, जस्ट मेक इट ऑफ शोल्डर लाइक दिस. इफ आई मेक इट लाइक दिस तो ये स्क्वायर लगेगा, ये माइक लगाने की वजह से ऐसा आ रहा है, अदरवाइज दिस इज नॉट लाइक दिस. सो
done coughing. Okay, so this is the top. पीछे से ये बिल्कुल square neckline है छोटा सा. Fabric is really मोटा, मतलब बहुत ही ज्यादा heavy fabric है ये. So I don't know कि समर के लिए इतना appropriate नहीं होगा, I know. तो मैं इसमें का ही हल्का fabric ले आऊंगी, which is like cotton और हल्का सा crepe का mix. But cut ऐसे ही आएगा. But just because winters आ रहे हैं and this is a really cute puffy bold top. इसकी length is pretty short. So if you wanna pair some jacket, half cut wale jacket jo hota hai, something like that, you can also pair it. Or yeah, high waist pant, high waist denim, kuch bhi tum pair kar sakte ho, skirt pair kar sakte ho. This will also look really nice. And yeah, this is the first one. I am wishing ki acche se samajh mein aa raha ho, because I don't know ki kya matlab samajh mein sahi se aa raha hai ki nahi aa raha hai. So you are getting my point na, matlab what I'm trying to say. अगर आपको ये टॉप खरीदना है तो आप मुझे कॉमेंट बता दो. आप या तो मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे चले जाओ, वहां से यू कैन एक्चुअली प्लेस योर ऑर्डर, और या तो फिर आप यही कॉमेंट में लिख दो, आई विल गाइड यू. नेक्स्ट टॉप आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ऑल द नेक्स्ट वन. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो दिस इज द सेकेंड टॉप. सो एज यू ऑल कैन सी, वो वाला क्रॉप टॉप था उसका लंबाई यहाँ तक था, एंड दिस इज द फुल लेंथ टॉप, जैसा एक नॉर्मल टॉप होता है. सो एज यू ऑल कैन सी द लेंथ ऑफ दिस टॉप इज प्रीटी लॉन्ग, सो आपको पूरे इस एरिया को कवर करेगा. आप इसके संग में इसको टकिंग करके पहन सकते हो विद मरून पैंट और कोई भी डार्क कलर की पैंट, या फिर अगर आपको लाइट शर्ट पसंद है तो आप उसको पेयर कर लो. बट आई वुड सजेस्ट अगर विंटर से पेयर कर रहे हो तो डार्क ही करो, बाकी स्कर्ट कुछ भी बहुत अच्छा लगेगा. इवन साड़ी वुड लुक रियली नाइस विद दिस काइंड ऑफ अ टॉप. सो जैसे मैंने बताया था ना कि मैंने निया शर्मा को देखा था एक उसमें पहने हुए, सो दिस इज द काइंड ऑफ लुक आई वॉज गेटिंग इन दैट वीडियो. इसमें काफ़ी ज़्यादा ये था, पावर पफ टाइप का था शोल्डर, एंड आगे से स्वीट हार्ट था. ऑब्वियसली ऐसा स्वीट हार्ट नहीं था, बिकॉज मैंने अपने लिए और आप लोग के लिए सोच के बनाया है द काइंड ऑफ टॉप शी वॉज वेरिंग. शी वॉज लुकिंग वेरी नाइस, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड था. बट मैं नॉर्मल ऑडियंस के लिए उतना बोल्ड टॉप नहीं ला सकती हूँ. सो यार, दिस इज द फुल स्लीव टॉप विच लुक्स रियली रिफाइंड स्लीक लुक आ रहा है इससे, एंड दिस इज लुकिंग रियली रियली नाइस. दिस इज परफेक्ट फॉर पार्टी. आप इसको किसी भी पार्टी में एक सीक्वेंसी स्कर्ट या फिर कोई सैटिन साइड इंच स्कर्ट या कैसी भी स्कर्ट संग पेयर करो, एंड इफ यू नो वेयर इट फॉर ऑफिस, फॉर कैजुअल ब्रंच और समथिंग लाइक दैट, साड़ी के साथ, स्कर्ट के साथ, डेनिम्स के साथ, किसी भी तरीके से यू कैन पेयर इट, एंड दिस इज गोइंग टू लुक बॉम. सो यार, दिस इज द वन. पीछे से अगेन दिस हैज दिस स्क्वायर नेकलाइन, बहुत डीप वाला नहीं है. एंड अगेन इसका फैब्रिक इज बिल्कुल सिमिलर, जो उसका फैब्रिक था ये उसी फैब्रिक में बनाया गया है. सो अगर मैं इसको समर में इंडोर्स करूँगी तो आई एम गोइंग टू यूज अ लिटिल लाइटर फैब्रिक, बट जस्ट बिकॉज अभी विंटर्स चल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट वन. सो या, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द थर्ड वन, राइट? ओके, सो दिस पहले मैं बिना माइक के मतलब अटैच के दिखाती हूँ, बिकॉज फिर नेकलाइन समझ नहीं आता है. सो या, एज यू ऑल कैन सी द डिटेलिंग ऑन द नेकलाइन, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा है. मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका सिलुएट अच्छा लग रहा था. या सो मैं माइक पहन लेती हूँ, कब तक हाथ में होल्ड करके बातें कर रही है. ओके, सो दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट वन. सो एज यू ऑल कैन सी, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट रियली गोइंग वेल, बट जब मैंने ये पैंट पहन रखी थी सो मैंने इसको चेंज नहीं किया. सो दिस इज द आउटफिट नंबर 3. सो ये टॉप अगेन, दिस लुक्स सो सेक्सी एंड विंटर अप्रोप्रिएट, एंड पीछे से ये पूरा क्लोज नेक है, यहाँ से कॉलर उठा हुआ है. जैसे मैं स्कूल में होती तो चाइनीज कॉलर होता था ना उठा हुआ, बट जस्ट इसमें एक ही डिफरेंस है, आगे से बन नहीं है, जिसमें अगेन आगे से खुला हुआ है. सो इसमें ये फुल स्लीव्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके हाथों को स्लीव दिखाएगा. एंड इफ यू आर समवन जो बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है विद योर हैंड्स, एंड आई एम वन ऑफ देम, सो आप उसको पहन सकते हो. दिस लुक्स रियली नाइस. इसका वेस्ट अगेन बहुत लंबा नहीं है, दिस इज नॉट रियली अ क्रॉप टॉप, बट इसको शॉर्ट टॉप भी नहीं कहेंगे. दिस इज गोइंग टू बी अ वेस्ट, मिड ऑफ द वेस्ट लेंथ, एंड एंड साइड से जिप भी है. तो जस्ट इन केस आपको इसकी फिटिंग पसंद ना आए, तो जिप इज मेनली कि आप इसको पहन लो, एंड देन आप इसको मतलब पूरा शेप में इसको बंद कर सको, तो काफ़ी कूल लगेगा. ओके, सो आप इसको साड़ी, स्कर्ट, ऑल दो इट्स अ पेयर्ड वन, ये मैंने किसी एक ट्राउजर्स बनवाई थी फॉर माई कलेक्शन ओनली, बट उसमें मैं इसको देना चाहती थी, बट अब मैं इसको नहीं दे रही हूँ एज अ पैर, तो एज अ कॉर्ड.
सो उसके लिए मैं दूसरा टॉप बनवा रही हूँ, बिकॉज दिस इज जो मैं लुक चाह रही थी वो नहीं आ रहा है. सो या मे बी नेक्स्ट वाले ऑप्शन से आए. सो दिस इज द थर्ड वन. आई रियली होप कि आपको ये तीनों टॉप अच्छे लगे. एंड इफ यू आर गोइंग टू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. सब्सक्राइब तो मुझे कभी बोलना ही नहीं है, आई ऑलवेज फॉरगॉट कि सब्सक्राइब कर दो, तो प्लीज कर दो भाई, प्लीज कर दो सब्सक्राइब. एंड या अगर आपको ये टॉप में से किसी का भी ऑर्डर प्लेस करना है, आप कहीं से भी हो, बिकॉज आई नो वन गर्ल, हर नेम इज सोना एफ एफ, शी इज सच अ डार्लिंग. वो मतलब आई एम रियली सॉरी सोना, आपका गिव अवे अभी तक नहीं पहुंचा हुआ है, बिकॉज आई डोंट नो लोकेशन भी क्यों नहीं डिलीवर हो रहा है. तो शी वॉज द विनर ऑफ अ गिव अवे जो मैंने बहुत पहले रखा था. सो या बहुत जल्दी आई एम अगेन गोइंग टू पोस्ट अ गिव अवे. सो दैट की उसके बाद मुझे कुछ कुछ टेक्स्ट आए थे ऑन इंस्टाग्राम कि कौन था विनर एंड अभी पार्टिसिपेट कर सकते हो कि नहीं आफ्टर टू मंथ्स. सो प्लीज गर्ल, आफ्टर टू मंथ्स मत करो पार्टिसिपेट, बिकॉज कोई फायदा नहीं हो उसका. सो यार दिस इज द थर्ड वन. अगर ऑर्डर प्लेस करना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में हे लिख दो एंड आई विल गाइड यू. उसके आगे कुछ भी लिख दो. एंड अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, बट जस्ट बिकॉज में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है. ऑल्सो वी आर ट्राइंग फॉर मिंत्रा, अजियो एंड अमेजोन. सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट वेरी सून दैट इज गोइंग टू बी सॉर्टेड. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड आई एम ट्राइंग टू बी, मतलब आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद पोस्टिंग वीडियोज वेरी सून.